हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शंस लेकर आया हूँ जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारे ज़माने में या पिछले कुछ 10 साल पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कुछ खास इतना इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता था, लेकिन जिस हिसाब से ई कॉमर्स इंडस्ट्री डेवलप हुई है, जिस हिसाब से फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर मीशो वगैरह डेवलप हुए हैं, उस हिसाब से जिस इंटेंसिटी के साथ में लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस फील्ड के अंदर करियर बहुत बेशुमार आ चुके हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि किस तरीके से कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट करना और प्लान करना ताकि डिलीवरी स्मूथ हो जाए। ऐसे सारे प्रोसेस को कहा जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें कंट्रोलिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूटन होता है ताकि स्मूथ डिलीवरी हो जाए कस्टमर के घर तक। हमने अक्सर देखा है कि हम जब डिलीवरी के लिए डिमांड करते हैं या हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रोडक्ट कहाँ पर है, कहाँ शिप हुआ है, वेयर हाउस से निकला या नहीं। ये इतना आसान हमको लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है जिसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें करियर ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे पहला करियर ऑप्शन होता है सप्लाई चेन मैनेजर। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है सप्लाई चेन मैनेजर, जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट करता है, जो लॉजिस्टिक भी देखता है, जो प्रोक्योरमेंट भी देखता है, जो ऑपरेशंस भी देखता है, जो डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ों को ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करता है या मैनेजमेंट करता है, उसको कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजर। ये पहला करियर ऑप्शन है इस फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है वो है आपका प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट क्या हम लोग उसको परचेस मैनेजर भी कहते हैं, जो परचेस करता है आपके रॉ मटेरियल को, परचेस करता है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन की डिमांड आती है उस हिसाब से प्रोडक्शन करता है, और जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल्स की, वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री चेक करते हैं, अपने रॉ मटेरियल के ऑर्डर करता है और उसको खरीदता है। साथ ही साथ वो डिफरेंट वेंडर को सिलेक्ट करता है, डिफरेंट अलग अलग जगह से कोटेशन बुलाता है, कोटेशन को सिलेक्ट करता है और प्रॉपर सिस्टम फॉलो करता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोक्यूरमेंट या फिर परचेस मैनेजर। सिमिलरली जो तीसरा ऑप्शंस या तीसरा करियर ऑप्शंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो फील्ड होती है उसमें होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन जो होता है वो काम करता है कि रॉ मटेरियल को एडमिनिस्ट्रेशन जो भी लगता है वो करता है कि कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, डिमांड कितनी है, हमको रॉ मटेरियल कितना लगेगा और उस हिसाब से किस हिसाब से हमारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर के बाद में जो लास्ट पोस्ट आती है इस फील्ड के अंदर वो होते हैं वेयरहाउस मैनेजर। वेयरहाउस मैनेजर जो होता है, अगर प्रोडक्ट तैयार हो गया और वेयरहाउस पर आता है तो वेयरहाउस पे उसकी एंट्री करना, उसको लेबलिंग करना और लॉजिस्टिक तक उसको पहुंचाना और या कस्टमर तक उसको पहुंचाना, वेंडर से बात करना, हमारी टीम से बात करना ऑपरेशन की, या फिर हमारे कस्टमर से जो कॉन्टैक्ट करना, इस सब का काम होता है वेयरहाउस मैनेजर का। इसके अलावा एक करियर ऑप्शन इसमें होता है लॉजिस्टिक मैनेजर। लॉजिस्टिक मैनेजर की खास तौर पे जिम्मेदारी ये होती है कि प्रोडक्ट को शिप करना और कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना। तो ये सारे प्रोसेस मिलकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनता है, यानी प्रोडक्ट बनने से लेकर उसके प्रोसेस तक और उसके लेबलिंग तक, उसके वेयरहाउस जाने तक या कस्टमर के घर पहुंचे तक, ये सारा प्रोसेस हमको सिर्फ एक क्लिक पर दिखता है कि हमारा प्रोडक्ट पैक हो गया, शिप हो गया और डिलीवर हो गया। ये सारी इंडस्ट्री का पीछे इस तरीके से काम होता है, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बेहतरीन करियर के ऑप्शंस हैं। डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं जो इसमें MBA प्रोवाइड करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, आप उसमें जाकर अपने करियर बना सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस इसमें MBA ऑफर करते हैं, आप भी इसमें करियर बनाएं और इस ताल्लुक से सोचिए क्या आप इसके लिए बेनिफिट या बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्या आप इस फील्ड में नुमाया कारकर्दगी कर सकते हैं, तो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।